आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल होने वाली, क्योंकि जो हमारी आज की वीडियो है, जो हमारा बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसका 15वां एपिसोड होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज इंडिकेटर। मतलब कि आपने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारी जगहों पर बोलते हुए सुना होगा कि मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ, मैंने इस इंडिकेटर से काफी पैसा बनाया है, इस इंडिकेटर से आप पैसा बना सकते हैं, इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं। तो जो इंडिकेटर लगे रहते हैं, तो ये इंडिकेटर है क्या एक्चुअली में, कैसे वर्क करता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि व्हाट इज इंडिकेटर। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इंडिकेटर क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान देना, उसको नोट करने की कोशिश करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इस इंडिकेटर को यूज कर इतना पैसा बनाया, ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं, RSI हो गया, EMA हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो इंडिकेटर आपने एक ना एक बार आपके दिमाग में एक ना एक बार जरूर एक सवाल आया होगा कि ये इंडिकेटर एक्चुअली में है क्या। जब आपने स्टार्ट की होगी ट्रेडिंग, तो जब आपने सोचा होगा कि मैं क्यों ना ट्रेडिंग करूं, तो जब आपने ये वीडियोस देखी होंगी कि मैंने इस इंडिकेटर से इतना पैसा बनाया है, तो आपके मन में एक, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये इंडिकेटर है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि इंडिकेटर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात इंडिकेटर, देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर मतलब कि इसके जो नाम है, नाम ही में इसका आंसर छुपा हुआ है, इंडिकेटर, इंडिकेट कराना। मतलब कि जो इंडिकेटर होते हैं, आपने बहुत, जब आप, अगर आपको ड्राइविंग आती है, तो आपने जब ड्राइविंग की होगी, जब आपने हाईवेज पे ड्राइविंग की होगी, जब आपने मतलब कि दिल्ली वगैरह में ड्राइविंग की होगी, मुंबई दिल्ली में, तो आपको कुछ सिग्नल्स लगे रहते हैं पहाड़ी में, मतलब यहाँ उत्तराखंड में भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स लगे रहते हैं कि आपको इधर से इधर जाना है, उधर से इधर जाना है, मतलब कि वो इंडिकेट करते हैं आपको, ठीक है। आपको बताते हैं कि आपको यहाँ से अब इधर मुड़ना है, अगर आपको यहाँ जाना है तो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, तो आपको कहीं पे इंडिकेट जरूर कराया जाएगा कि अगर आपको उत्तराखंड जाना है तो इतना दूर है और यहाँ से आपको किधर जाना है। तो ये आपको जरूर देखने को मिला होगा, तो जो आप, वो आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ से इधर जाना है। तो सेम इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि आपको इंडिकेट करना, ठीक है, इंडिकेट करना, आपको बताना। इंडिकेटर से मार्केट पे डिपेंड होता है, ठीक है, जैसे मार्केट चलेगा वो आपको इंडिकेट करेगा। लेकिन इंडिकेटर में एक कमी और है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता चल गया इंडिकेटर मतलब होता है इंडिकेट करना। जब वो, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपने कोई भी एक इंडिकेटर लगाया, ठीक है, आपने एक इंडिकेटर लगाया, कोई भी मार्केट चल रहा है, अब समझ लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, आपका इंडिकेटर जो लगाया आपने, वो यहाँ से बता रहा है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अब जा सकता है, ठीक है। आपको जो इंडिकेटर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अब क्या कर सकता है, अब जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने इंडिकेटर के हिसाब से, अगर आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप बाई करेंगे। फिर अगर आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, अगर मार्केट अप जा रहा है, तो आपका इंडिकेटर यहाँ पर बताता है कि यहाँ से मार्केट अप गिर सकता है, आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से जो है मार्केट गिर सकता है। लेकिन अगर आप एक इंडिकेटर के ही बेस पर ट्रेड करना सीखोगे, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं गुना एक इंडिकेटर के बारे में ही सीखूं और इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करना स्टार्ट करूं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रहोगे। क्यों? देखिए, आपको जो इंडिकेटर इसने बताया तो कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, और कई बार गिर भी जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी एक कमी बताता हूँ कि क्या है, कि देखिए बहुत सारे इंडिकेटर तो सही हैं, बहुत सारे इंडिकेटर काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। लैगिंग मतलब, देखिए मार्केट यहाँ से डाउन चल रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, आपका इंडिकेटर आपको अब इंडिकेट करेगा कि यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है, जब वो ऊपर चला गया हाफ। अब क्या पता आप यहाँ से बाय ट्रेड लो अपने इंडिकेटर के हिसाब से, ठीक है, आप यहाँ से बाय ट्रेड देते हो और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है, ये क्या फायदा होता है। देखिए इंडिकेटर कुछ कुछ क्या होते हैं, लैगिंग होते हैं, ठीक है, आप इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर में आपको पता चल गया कि कुछ कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, लैगिंग होते हैं, इसलिए आपको जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर बेस पर ही ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ इंडिकेटर सही होते हैं, कुछ कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, वो मैं आपको इसके बाद वाले एपिसोड बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर अच्छे हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर, कौन कौन से इंडिकेटर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर परफेक्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप कोर्स में बने रहिएगा, अगला वाला एपिसोड आपको मिलने वाला है, उसमें आप जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, लैगिंग होते हैं, मतलब कि लैगिंग मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए वापस बता देता हूँ, समझ लीजिए मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अब यहाँ से मार्केट हाफ गिर जाता है, यहाँ तक गिर जाता है, उसके बाद आपको आपका इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, सिंपल लैगिंग। जबकि उसको यहाँ पर बताना चाहिए था, इस जगह पर जहाँ से मार्केट गिरा है, कि यहाँ से गिरने वाला है, लेकिन जब मार्केट हाफ चला गया, हाफ गिर गया मार्केट, जब गिर गया उसके बाद आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला, तो साफ साफ पता चलता है ये लैगिंग इंडिकेटर है। अब अगर आप अपने इंडिकेटर के हिसाब से एक सेल साइड का ट्रेड लोगे, शॉर्ट करोगे, यहाँ पर क्या होगा, आपका लॉस होगा, यहाँ से मार्केट क्या पता अब जा रहा है और आपका यहाँ पर क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है लैगिंग इंडिकेटर। इसलिए आपको सिर्फ इंडिकेटर के ही बेस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब एक हमारा होता है प्राइजेक्शन, ठीक है। प्राइजेक्शन अगर आपको नहीं आता, प्राइजेक्शन फुल कोर्स आप इसी कोर्स में रहिए, आपको पूरा पता चलने वाला है, जो भी बेसिक टू एडवांस है आपको इसी कोर्स में पता चलने वाला है, ठीक है। ठीक है, प्राइजेक्शन इसके बाद होता है, आपको प्राइजेक्शन ही सीखना चाहिए। क्यों? देखिए इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर भी सेम हमारे लगभग प्राइजेक्शन में ही आते हैं, ठीक है। प्राइजेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब अगर आप प्राइजेक्शन सीखे तो आप इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में प्राइजेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपका इंडिकेटर तो आपको यहाँ से, जैसे कि मार्केट गिर रहा था, आपका इंडिकेटर यहाँ से इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेजेक्शन सीख रहे हैं तो आपका जो प्रेजेक्शन, जो आपका ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर, जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, जो आपने एनालिसिस किए, जो आपने प्री मार्केट देख रहा है, जो आपने पोस्ट मार्केट देखा है, नहीं देखना आता है तो इसी कोर्स में बने रहिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। आपने एनालिसिस की, आपने प्रीवियस डाटा देखा, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, आपने आपका इंडिकेटर बता रहा है, तो जब आपको इतनी सारी कन्फर्मेशन मिल रही है तब जाकर आप यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करोगे, तब आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो मतलब ठीक ठाक बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि आपका इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट कर रहा है, जो आपकी एनालिसिस, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपने एनालिसिस की हुई है प्रीवियस डाटा देखकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको बता रही है कि यहाँ से मार्केट जा सकता है, ठीक है। तब आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। क्यों? तब आपको बहुत सारी कन्फर्मेशन मिल रही है, मतलब कि मल्टीपल आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही है, उसके बाद आप यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जब एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, और यहाँ पर आपके प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वापस बता देता हूँ, जैसे कि आप समझिए आपकी मार्केट चल रहा है अब ट्रेंड में, ठीक है। अब इस जगह पर, यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर है आपको क्या बताता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। इंडिकेटर जो है, ठीक है, वो बताते हैं आपको कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब एक इंडिकेटर के बेस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहां पर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल एक आपको कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, लॉस हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, प्रीवियस डाटा देखेंगे कि मार्केट कैसे चला, मार्केट का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है। आप वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक्चुअली में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, प्रीवियस डाटा देखेंगे, मल्टीपल चार्ट फ्रेम आप लगाएंगे। अगर आपको मल्टीपल चार्ट फ्रेम लगाना नहीं आता है, मतलब जो मल्टीपल चार्ट फ्रेम होता है ये मतलब कि क्यों लगाना चाहिए, तो आप इसी कोर्स में बन रहिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। जब आपको मल्टीपल यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही है, कैसे? पहला तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कन्फर्मेशन मिल रहा है, दूसरा आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो एनालिसिस है, ठीक है, आपकी जो एनालिसिस, जो जो आपने प्रीवियस डाटा देख रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 कन्फर्मेशन जब आपको मिल रही है, ठीक है, परफेक्ट तरीके से, तब आप यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं, मतलब कि सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे कन्फर्मेशन मिलने के बाद वहाँ से मार्केट अप चला जाता है, किसी न्यूज़ के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एनालिसिस की और वहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता है, लॉस सबका होता है। अगर लॉस होता है तो आपको मतलब ऐसा सोचना नहीं है कि लॉस हुआ तो मैं अब इस लॉस को रिकवर करने जाऊँगा, नहीं, रिकवर करने के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर आप रिकवर करने के चक्कर में पड़ोगे तो आपका जो लॉस है वो और बड़ा हो जाएगा, और आप धीरे धीरे आपका लॉस बढ़ेगा। जब आप लॉस की गहराई में जाओगे तो लॉस की गहराई में जब कोई ट्रेडर जाता है तो उसके लिए निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर मुश्किल हो गया तो तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन ही ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट में, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन में गए तो आप मार्केट से बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको रिलैक्स माइंड से ट्रेडिंग करनी है, पूरा सीखना है, पहले बेसिक टू एडवांस सीखना है, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब आपको इतनी सारी मल्टीपल कन्फर्मेशन मिली तब आप यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लोगे, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम होंगे। अब अगर आप एक इंडिकेटर के ही बेस पर ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर फ्रेंड्स सिंपल है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट कराना, आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। कोई कोई इंडिकेटर क्या होते हैं, लैगिंग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। कोई कोई इंडिकेटर काफी अच्छा वर्क करते हैं, कोई कोई इंडिकेटर क्या होते हैं, लैगिंग होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिकेटर का मतलब है सिंपल इंडिकेट करना। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आगे होगा। वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन काफी नॉलेजेबल है। वीडियो को आपने अगर बिना स्किप किए देखी होगी तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब इंडिकेटर को आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इंडिकेटर क्या है। अब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा कि कौन कौन से इंडिकेटर काफी अच्छा वर्क करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर को आपको यूज करना चाहिए, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे आपको उन पर ट्रेड करना चाहिए, लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारा अगला एपिसोड आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स के आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि इंडिकेटर क्या है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब कल जो हमारा एपिसोड आएगा उस एपिसोड में हम जानेंगे टाइप ऑफ इंडिकेटर, मतलब कि जो इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर जो मेजर इंडिकेटर है जिनको कि आपको यूज करना चाहिए वो हम कल की वीडियो में जानेंगे, और उसको कैसे यूज करना है वो भी हम कल की वीडियो में जानेंगे। तो कोर्स में आप बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई रिश्तेदार है, भाई बहन, दोस्त, कोई भी जो कि ट्रेडिंग करना चाहता है, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहता है, तो ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारा ये बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी इस कोर्स के साथ जुड़ सके, उसकी भी थोड़ा बहुत मदद हो सके, और जब वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करे, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।